अजलान बेटा इधर आ जाओ आ जाओ, मुंह में मिट्टी नहीं लेना, आओ इधर आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। जी आप सब कहेंगे कि दुआ को तो बस लेपे पोले और ये घर की सफाइयां ही लगी रहती हैं, तो बस यही दिखाती रहती है। क्या करूं, अब घर का काम भी तो करना है। जो मैं करती हूँ वो आप सबके साथ शेयर करती हूँ, जो हमारे विलेज लाइफ रूटीन है वो मैं आप सबके साथ पूरी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए आप सबने जो है मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। आ जाओ आ जाओ। और काफी कमेंट आते हैं कि आप अजान और अजलान को साफ सुथरा नहीं रखती, पहले साफ सुथरा रखती थी, पहले तो हमारा घर पक्का होता था, अब कच्चा घर है, आखिर मैं काम करती हूँ तो इसको मैं छोड़ देती हूँ तो क्या करूँ, आखिर वो बच्चा जो है मिट्टी ही होगा और क्या होगा। तो इसलिए जो है फिर इसका भी ख्याल करते हुए, घर का काम करते हुए तो यही करती हूँ। किसका दिल नहीं करता कि बच्चे हमारे साफ सुथरे रहे, हमारे घर पक्के हों, सबका ही दिल करता है। बस आखिर जो चीज है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें भी बहुत ज्यादा खुश हैं। अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ ना कम है मेरे मालिक का। बस अल्लाह ताला मेरे बच्चों को नेक बनाए, ईमान वाली जिंदगी दे। आप सब मेरे बच्चों के लिए दुआ क्या करें, आमीन। ये मैंने जो पोचा बचा के रखा हुआ था ना, तो वही पोचा मैं लगा रही हूँ, बस अभी आखिरी है, फिर इसको बाल्टी को धो लूंगी। इसलिए क्योंकि मुझे कपड़े धोने में बहुत ज्यादा जो है तंगी हो रही है, कपड़े इसी बाल्टी में मैं धोती हूँ और जो इसमें तो मेरा पोछा बना हुआ था, मैंने कहा चले जमीन पे जो है मैं पोछा लगाती हूँ, इसलिए नया इसको भी मैंने कर लिया, चूल्हे को भी, बुम्बा जो था टूटा हुआ वो भी लगा लिया। अजलान के काम चेक करें, ये मुझसे ज्यादा पहले करने की कोशिश में होता है कि मैं मम्मा से पहले जो है काम, मम्मा का काम खत्म कर दूँ। और एक मेरी प्यारी सिस्टर है इंडिया से, वो हमेशा मुझे कमेंट करती है कि आप मुझे कमेंट का रिप्लाई नहीं करती, तो उनका नाम तो मुझे नहीं पता, पता नहीं उनकी आईडी का नाम भी अभी मुझे इस टाइम नहीं आ रहा, कितनी दुआ मुझे जो है आप कमेंट का कभी रिप्लाई नहीं करती। और उन्होंने ये कमेंट किया था 2 दिन से आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही दुआ, तो बस ये कि नेटवर्क की वजह से आज भी पता नहीं वीडियो आती है आप तक नहीं आती। नेटवर्क बहुत ज्यादा पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मसला चल रहा है ना, व्हाट्सएप चल रही है, व्हाट्सएप के मैसेज भी डाउनलोड नहीं होते और ना ही जाते हैं, और इस तरह से जो है वो भी नहीं हो रहा, क्या कहते हैं इसका, यूट्यूब जो है वो भी नहीं चल रहा और वीडियो जो है वो तो बिल्कुल अपलोड ही नहीं हो रही ना, तो इसलिए तो बस यही मसला भी हमारे यहाँ पर चल रहा है। कहते हैं ना जो बच्चे देखते हैं ना वो ही काम सीखते हैं, तो वो जो मैं पोछा लगा रही हूँ तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं भी पोछा लगाऊं इसके काम से। कपड़े सारे इसने अपने गंदे कर लिए, साफ सुथरे इसके कपड़े इसने पहने हुए थे, बस इसको जो छोड़ा है ना नीचे, तो इसने जो अपना खेल कूद शुरू कर दिया। और बच्चों को जो वैसे करना चाहिए ना, जो कर रहे हो ना, बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, इस तरह से बच्चे जो है टैलेंटेड नहीं होते, बच्चे डर डर के रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह से ये डरता भी नहीं है माशाल्लाह से, हर चीज से जो है मुर्गियों का पकड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे डॉगी को तो वैसे जो है पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़ा नहीं है, हम लोग इसको डराते हैं, ये कहते हैं नहीं इसको नहीं पकड़ो बेटा, कहीं कांटी वगैरह ना कर ले, तो इसलिए अब ये पूरा देखें इसकी काम चेक करें, इसकी हरकतें देखें जी। अजान भी जब छोटा होता था ना वो भी इस तरह से करता था, जब अजान छोटा था ना तब मैं अपने ससुराल में जब रहती थी ना, तो उधर के पोछे वगैरह जब लगाती थी तो वो इस तरह से जो साथ साथ मेरे रहता था, और ये पोछे लगा लिए तो मुझे दे दो, मुझे दे दो, ये मुझे दो, मुझे दो। अब सर्दी आ रही है ना ठंड, तो अब पता नहीं मेरा क्या होगा, क्योंकि जब मैं कोई काम करूंगी इसने तो कहना मुझे नीचे छोड़ना है, तो जब इसको नीचे छोड़ना है तो इसको फिर नहलाना पड़ेगा इसका। ये देखिए हाल, देखे हाल चेक करें इसका, चलें भाई पोछे लगाते हैं, मैं कह रही हूँ कि इतना इतना जहां तक बांस है ना इतना इतना मैं जो है पोछा लगा लू, ये जमीन जो है ना साफ सुथरी और अच्छी लगेगी। पोछे जो है मैंने यहाँ से पूरा इतना लगा लिया और मेरा किचन जो है अब साफ सुथरा हो गया, मैं हाथ वगैरह जो ये धो लेती हूँ और घर के काम काज जो रहते हैं वो कर लेती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ।
जी माशाल्लाह माशाल्लाह से आज वो दिन आ गया जब मैं आप सबके साथ सेलिब्रेशन करूंगी, और मैं काफी अरसे बाद, काफी दिन बाद जो इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। मैं अपने मालिक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, और ये सब कुछ जो है अंबर आपी की तरफ से। वो अंबर आपी ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे बहनों की तरह हमेशा जो है गाइड किया, बहुत बहुत दिल से पहले उनका बहुत शुक्रिया। और ये सब कुछ जो है उनकी तरफ से हमें आज जो है पार्टी दी गई है। पार्टी किस खुशी में दी गई है वो भी मैं आप सबको बताती हूँ। तो ये अंबर आपी ने सारा कुछ अरेंज किया है खाने में, और ये भी पुलाव भी है, साथ में बीफ पुलाव भी है और पिज्जा वगैरह मीठा सब कुछ है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जिस मेरे प्यारे बहन मैंने खाना है तो आप भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें जी। तो अभी हम जो है खाना खाते हैं, और फिर मैं आप सबको शेयर करती हूँ, बताती हूँ कि आज हम लोग इतने खुश क्यों हैं और हमने ये पार्टी क्यों की है। और आगे तो अभी हमने भी थोड़ी बहुत जो है सेलिब्रेशन करनी है, वो भी साथ आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी इसी वीडियो में शेयर करूंगी। मुझे खुद को नहीं पता था, मुझे खुद अचानक से सरप्राइज मिला, ये भी मुझे अंबर आपी ने सरप्राइज दिया, बताया मुझे। मैंने जब देखा मैंने कहा मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था उस टाइम। तो मैं जो है पर चले बता ही देती, इतना इंतजार नहीं करवाती आप सबको, और मुझसे खुद भी नहीं रहा जा रहा कि मैं आप सबसे छुपाऊं, क्योंकि वीडियो में आप लोगों ने देखना है, पता चला है, स्किप करना है स्किप प्लीज ना क्या करें, वीडियो मेरी पूरी देखा करें, क्योंकि इसी से मुझे जो फायदा होगा और आप सबको अल्लाह ताला इसका अजर जरूर देगा इंशाल्लाह। आप सबकी बस सपोर्ट की जरूरत है, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करें, मुझे आगे से आगे शेयर करें, और मेरे टिकटॉक अकाउंट को जो है उसको भी फॉलो करें, आयरा विलेज लाइफ को। तो माशाल्लाह से आयरा विलेज के जो फॉलोवर है ना वो इतनी जल्दी मेरे 1,000 हो गए, हमारी सोच से भी बढ़कर, हमने हमने सोचा भी नहीं था इतना कि इतनी जल्दी हमारे हो जाएंगे। और व्यूज भी माशाल्लाह अच्छे खासे आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अंबर आपी ने जो है मेरा बहुत ज्यादा साथ दिया है, इसलिए जो है मैं बहुत तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबका भी तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझे जो है फॉलो किया है उधर, और जिन्होंने फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाए मुझे टिकटॉक पर भी फॉलो करें, वहां पर मेरी डेली की वीडियो जो होती है वो आती है शॉर्ट वीडियो। अक्सर हमेशा आप सब कहते थे कि जो है ना शॉर्ट वीडियो आप जो है ना दुआ शेयर किया करें, तो वहां पर जो है सारी मेरी शॉर्ट वीडियो होती है, और शॉर्ट वीडियो में जो है आपने मुझे वहां पर जाके फॉलो करना है। और सारे दिन की तो नहीं कहते, थोड़ी सी जो क्लिप आते हैं ना वीडियो के डेली की रूटीन के आते हैं, वो डेली की रूटीन देखने के लिए आपने मेरे टिकटॉक को फॉलो करना है। इसमें जो है मैंने गोबर डाला है, गोबर की जो है इसमें चौकी दी है, तो इससे ये है कि जल्दी जो है ये इनकी ग्रोथ होगी, इसलिए जो है गोबर डाला है इसमें मैंने, सब में डाल दिया मैंने। लेकिन पानी जो है अभी नहीं दिया, पानी थोड़ी देर तक दूंगी या फिर मैं शाम तक इसमें पानी जो है दूंगी। अभी मैं जो है आखिरी काम, मेरे घर का तो सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया, अजलान जो है उसको भी देखे, वो सामने जो है सो गया है, अभी जो वो सोया है ना तो मेरा कुछ काम जो है रहता है जो वो हो जाएगा। और ये पर्दा वगैरह जो है ये बता रहे थे कि भाई इसको नीचे लटकता है, बिल्कुल ये आपने सही कहा, इसको जो है मैं अब सीऊंगी तो फिर इसको ऊपर करूंगी। वैसे जो है हम लोग इसको दोपहर में इस तरह से करते हैं ऊपर रस्सी पे, ताकि जो है इस डॉगी पर जो है छाए आ जाए, तो इसकी ये हो जाती है छत इस तरह से, ये लटकता भी नहीं है, इस तरह से इसको जो है छत मिल जाती है, इसके जो है छाए हो जाते हैं यहाँ पर, इसलिए वैसे कभी करूँ ये टाइम निकाल के इसको जो है ऊंचा, ये जो है मिट्टी हो रहा है। अभी मेरा जो आखिरी काम है ना वो करती हूँ मैं, ये जो मिट्टी है ना, दरवाजा बंद ना हो जाए, मैं यहाँ पे ईंट रख लूँ, फिर ये ना के अंदर भी ना जा सकूँ मैं, लाख ना लग जाए ना। ये वाली मिट्टी जो है एक साइड पे करते हैं, और क्योंकि अब गारे वगैरह की तो जरूरत नहीं, घर की सारी जो लिपाइयाँ थी ना वो तो हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। और तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो, आप सबको कैसी लगी उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह कल अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक रखिएगा अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। हमारा जो सूजी है ना वो भी झांक रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं ये लोग, ये सारा जो गारे वाली मिट्टी है ना एक तरफ यहाँ पर कर देते हैं, ताकि जब भी हमें जरूरत पड़े तो फिर काम आ जाएगी। बिस्मिल्लाह।